नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बात हो रही थी लोगों की कि प्राइवेट कॉलेज बताइए जो गोरखपुर में हो, जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा बहुत अच्छा हो। और सीएससी ब्रांच भी हो, बट एक ऐसा कॉलेज मुझे मिला जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक है, प्राइवेट कॉलेज है, फीस भी बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीएससी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो बात करते हैं अगर इसकी फीस की, तो कहीं डिस्क्लोज नहीं किया है इन्होंने वेबसाइट पे, तो एक दो लोगों से पता चला है कि पर ईयर जो है 38,000 के आसपास फीस यहाँ की है। तो करीब 1,00,000 रुपए तक आप यहाँ पे जमा करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बात कर लेते हैं ब्रांचेस कौन से हैं। सिविल ब्रांच है, दूसरा है मैकेनिकल ब्रांच। सिविल का जो प्लेसमेंट हुआ था वो 2020 से 21 में हुआ था 45%, 19 से 20 के सेशन में हुआ था 10%। मैकेनिकल का 2020 से 21 के सेशन में हुआ था 33%, 19 से 20 के सेशन में हुआ था 45%। तो एक एवरेज अगर निकालें तो करीब करीब 30% लोगों का यहां से प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। तो हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज प्लस गर्ल्स के लिए विद जिम, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, पैसा ज्यादा लेती हैं तो फैसिलिटीज भी ठीक ठाक देती हैं। दो दो कैंटीन अवेलेबल है विद हाइजीनिक जो है फूड के साथ। ठीक है, लाइब्रेरी ही बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी ये देते हैं जैसा कि प्राइवेट कॉलेज है, तो ये विद इन द सिटी जो है, सिटी के अंदर ये अपनी बसें चलाते हैं। 6 बसें चलती हैं इनकी बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसमें जो है फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को भी पिकअप किया जाता है, लेकिन उसका चार्ज अलग लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। क्लासरूम अवेलेबल है जहाँ पे LCD और प्रोजेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे फर्स्ट एड जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेस जो है अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस रूम और सेमिनार रूम जो है अवेलेबल है, जहाँ से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होता है ना। और बात करूँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, तो ये भी यहाँ पे कराया जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट एक्टिविटी की। तो स्पोर्ट एक्टिविटी जो है यहाँ पे होती है, बट ज़्यादा नहीं है। किसी किसी साल स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है। इवेंट्स की बात करूँ तो जैसा एक दो लोगों ने बताया कि जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है फॉर न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा इवेंट रखते हैं कि जो लोग नए नए कॉलेज में आए हैं तो थोड़ा सा मौज मस्ती इंटरेस्ट के लिए एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम जो है रखते हैं। इवेंट्स वगैरह कभी कभी होते हैं, है ना। तो कुल मिला के कॉलेज का यही रिव्यू है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।